सेवा के भूति खाले चीरी नींद सूती गेले। तुमने तो सेवा का भूति खाया था बिरसा और एकदम अस्थाई निंद्रा में सो गया, तो तुम्हारा राज का, तुम्हारा जल जंगल जमीन खनिज खजाना का, तुम्हारी जुआओं का परंपरा का क्या होगा? इसी को मैं गीत में कह रहा हूँ। सेवा के भूति खाले चीरी नींद सूती गेले, बहुरी आवा बे बिरसा, बहुरी आवा बे बिरसा, डगर देखा तोर बलिदान के हम करिला जोहा। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हमारे साथ झारखंड के बहुत ही चर्चित लोक कलाकार, लोक गायक मधुर मंसूरी हंसमुख जी हैं। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद? खुश तो हूँ, क्योंकि मैंने 65 साल सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, अलग राजकीय आंदोलन में और झारखंड सांस्कृतिक नवजागरण में 65 साल समय दिया हूँ, अपना समय शक्ति गंवाया हूँ, जिसका सही प्रमाण, सही पहचान मुझको मिला है, तो मैं तो खुश हूँ। अच्छा सर, जब हम आपकी गीतों को सुनते हैं तो उसमें झारखंड झलक रहा है, झारखंड की जो स्ट्रगल्स है वो झलक रहा है, कैसे लोग पलायन कर रहे हैं उस पर आपने गीत लिखा है, ये शुरुआत कैसे हुआ? 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को, आज की बात नहीं है, बहुत लंबी, 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो और लाल रणविजयनाथ साधो की उपस्थिति में हम झारखंड आंदोलन का पहला गीत गाया था। उसका एक पंक्ति है, पहले रहली हम गोरा के धांगरवा, धन धर्म डगा मगा, और आबे ही साहेबक पानी भरवा, धन धर्म डगा मगा। और उसी दिन से मैं जो दो विषय पर चला सो आज तक हूँ और रहूँगा ही। अच्छा, अभी हमारे कोर्स में भी पढ़ाया गया था लोहरदगा मेल फिल्म के बारे में। अच्छा। जिसमें आप थे, मुकुंद नायक जी थे और भी लोग थे, तो आप पद्मश्री से सम्मानित हो गए, मुकुंद सर हो गए, एक ही फिल्म के इतने सारे कलाकार जो डायरेक्टर साहब हैं, मेघनाथ सर और बीजू सर, वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित हो गए, ये गौरव का क्षण है कि नहीं झारखंड? बिल्कुल है, और ये सबको समर्पित ढंग से काम किया है, सबको समर्पित रहा है। अच्छा, जब इस फिल्म की चर्चा हुई है तो इसी फिल्म में गीत है वो पलायन को लेकर के है, अभी मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहे सर, थोड़ा सा अगर, क्योंकि वो चीज़ें आज भी झारखंड में हैं और कोरोना काल में हमने देखा कि पलायन के कारण ही बहुत सारे मजदूर भाई जो हैं वो वापस अपने, तो ये 20-21 साल का झारखंड, आज 21 साल का हो गया, आज भी ये समस्याएं हैं, क्या लग रहा है किसका निदान कैसे हो पाएगा? देखिए, ये आज पलायन नहीं है, अंग्रेजी शासन में भी था, आज भी है पलायन। और झारखंड मूल के आदिवासी लोग, गैर आदिवासी लोग जो आसाम में है, बंगाल में है, अंडमान में है, बांग्लादेश तक में है, ये पलायन का पहचान है। जब यहाँ किसी तरह की कमी नहीं है, जल जंगल जमीन खनिज खजाना से घर दखल हो रहा है, जब आपने बोला है तो मैं एक बड़ी बात बोल देता हूँ, आप लोग को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, आपका रांची का सेंट्रल केंद्र में है चढ़वी बस्ती है, चढ़वी के आदिवासी लोग समाप्त हो गया, रातू रोड से आदिवासी लोग, मुस्लिम लोग, डोम समाज के लोग कहाँ सब मिट गया, कहाँ चला गया पता नहीं, और रांची टाउन से बाहर मने आदिवासी जमीन, मुस्लिम जमीन, गैर मजूरवा जमीन, और सरकार जो उद्योग चलाने के नाम पर एक्वायर किया था जमीन, जैसे HEC 8,200 एकड़ जमीन का लूट हो गया है, और अब कारखाना भी समाप्त, अब एक नई उद्योग लग रहा है घर मकान, ये सब स्मार्ट सिटी, हाँ स्मार्ट सिटी, ये सब बहुत दुखद बात है। जंगल काटी हमने, खेत बनाया और हल चला के मिट्टी को हमने ही सजाया, गेहूं मक्का धान का दाना हमने ही उगाया और हम ही पलायन हो गया, और ऐसे में ही उग्रवाद पनपेगा, हमको लूटोगे, घर लूटोगे, जमीन लूटोगे, मेरा रोजगार लूटोगे। बिरसा मुंडा को अंग्रेज लोग कहता था ये तो उग्रवादी है,
ये तो आतंकवादी है, देशद्रोही है। क्या आज के जितने लड़का नौजवान बेरोजगार हैं जो रोटी के लिए गलत गलत दिशा में जा रहे हैं, क्या उसको भी उग्रवादी आतंकवादी कहें? एक आदमी का हिंदुस्तान के 10 को शहर में बिल्डिंग और हर बिल्डिंग के पोर्टिको में कार है, 50 को बैंकों में उसका संपत्ति रुपया भरा है, और एक आदमी खाना को मोहताज है और कहता है उग्रवादी है। इन सारी बातों को अध्ययन करना होगा। सर, जब आपने बेरोजगारी की बात की तो झारखंड में भी तरह के बेरोजगार युवा सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। बहुत गीत है मेरे पास लिखा हुआ, रोके ले बेईमानी चले अब सीना तानी छुआ बूढ़ा तरुणी जवान, हक अपन दैत मांगा छोड़ा ना मैदान, कि लहू रंगे रंग दवाए अपन विधान। जेपीएससी को लीजिए, 21 साल हो गया और 6 परीक्षा मुश्किल से हुआ और 6 विवादित है। हमारे नौजवानों का भविष्य को अंधकार में डालने के अलावा कोई पहचान इसमें है? अच्छा है, 21 को परीक्षा होना चाहिए, 100 आज तक 6 को हुआ है। बोलिए, दुखद नहीं? सिर्फ बिरसा मुंडा जी का नाम लेके हमको गुमराह मत करो। मेरा जीवन में जो काम आता है उसको हम के लिए फ्री करो। खाली हम बिरसा मुंडा जी का नाम लीजिएगा तो बिरसा तो हमारा माने सबूत है, बलिदानी है, हमारे अगुआ है, हमारा धरती अब्बा है, लेकिन उसी से हम पेट नहीं भरेगा। अच्छा सर, यहाँ पर बिरसा भगवान को लेकर के आज ये सब क्यों ऐसा करता है, ये लोग तो यही लोग अगुआ लोग जानिए। हम तो जाता हूँ बिरसा मुंडा जी का एरिया, कई बार उनका गांव हो या गया मुंडा जी का गांव हाल ही में गया, वैसे ही है जो था, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप देख रहे हैं, अभी हमने मदन मंसूरी जी से जो पद्मश्री से हाल ही में सम्मानित हुए हैं उनसे बातचीत की, और इस खास बातचीत में ये निकल करके आया कि नरेश भाई सरकार को देखना होगा कि गांव का उद्धार उनके कैसे हो सकेगा। आप देख रहे हैं फॉलो अप अपने सहयोगी आकाश के साथ, मैं ऋषभ, धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in, like, share, and